फाइनली हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ जी। ये देखिए पीछे व्यूज देखिए, अभी हम लोग एक होटल ढूंढ रहे हैं, जैसे ही होटल मिल जाएगा उसके बाद हम दर्शन के लिए निकलेंगे और आज एक छोटा ट्रेक करेंगे जो है चरण पादुका ट्रेक। उसके बाद देखते हैं क्या किया जाता है, पहले होटल बुक कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये सामने आप जो दिख रहा है ये है नीलकंठ पर्वत और देखिए इसमें गणेश जी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, या एक्चुअली ये मेरे को पता नहीं था, या के लोगों से मेरे को पता चला। देखिए इसका सामने में जो आकार है ये गणेश जी के आकार में है, ये बाद में ये चेंज होता है, ये कभी कभी महादेव जी का आकार में भी आ जाता है। देखिए ये देखो, ये सामने है, एकदम दिखने में गणेश जी के जैसा ही लग रहा है। यहाँ के एक दुकान वालों से मेरे को पता चला, जहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ये देखिए ये जो रास्ता है ये जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर की ओर। यहाँ पे सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है। ये आगे का ये जो पर्वत सिंह है यहाँ से मेरा नज़र ही नहीं हट रहा है। यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे थोड़ा देर के बाद, पहले होटल बुक कर लेते हैं। ये रास्ता सीधा चला जाता है बद्रीनाथ की ओर। अभी बजा है सुबह के 9, बहुत ढूंढने के बाद मुश्किल से एक होटल मिला। यहाँ के होटल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, कोई 4,000 कोई 5,000 ऐसा करके बोल रहा है। फिर हम लोगों को एक आश्रम मिला जिसमें पर बेड 400 रुपये के हिसाब से लगाया। हम लोग 2 रूम लिया। ये बालानंद जी आश्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ वो होटल का व्यूज और होटल का जो रूम है वो कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये हम लोगों का गाड़ी जा रहा है आश्रम के सामने। ये GMVN का गेस्ट हाउस है, यहाँ का रेट थोड़ा हाई है। हम लोग गए थे, हम लोग को 6,000 बोले थे। रूम का कंडीशन ठीक ठाक है लेकिन हम लोगों का बजट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं, हम सोचे कि 1-2 होटल और देख ले। तो इसके बगल में ही ये एक आश्रम है, श्री बालानंद तीर्थाश्रम बद्रीनाथ। ये संजय जी, हाँ ये संजय जी खड़े हैं। हाँ पार्किंग हम पूछ लेता है, इसका इसका ऊपर में है रूम, हम लड़का बुलाइए। हाँ बुला देता। हाँ हाँ देखिए, दस बजे है चेकआउट टाइम। इधर से है ना ट्रेक। अभी हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका का दर्शन करने के लिए। ये एक छोटा सा ट्रेक है,
मंदिर के एकदम पीछे से चलना पड़ता है। ये वाला रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर में एक छोटा सा मार्केट हुआ है। अगर आपको कोई ज़रूरत का ठंड का चीज़ चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए भी कोई सामान अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। ऐसे मेरे को लगता है यहाँ पर चीज़ें थोड़ा महंगा होगा, बेहतर होगा नीचे से ही लेना। लेकिन अगर किसी चीज़ को अगर आप घर पे ही छूट जाए, या फिर किसी चीज़ आपका खो जाए, किसी होटल पे आप रख के चले आए, तो यहाँ पे आके आप वो दोबारा ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे दुकान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ये सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर। ये वाला रास्ता है, इधर में शायद एक दो गेस्ट हाउस है। इधर में जलेबी और खीर मिलता है, ये फेमस है इधर का खीर और जलेबी। खाएंगे वापस आते टाइम पे ज़रूर। इधर में जगह जगह पे है। जो लोग चार धाम या फिर दो धाम के यात्रा पे आते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जोशी मठ से बद्रीनाथ आते हैं, फिर बद्रीनाथ जी की दर्शन करते हैं, उसके बाद माना ग्राम घूम के वापस जोशी मठ चले जाते हैं, जिसके वजह से बद्रीनाथ जी की मंदिर में दर्शन के लिए सुबह बहुत ही लंबा लाइन लगा रहता है। इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग पहले चरण पादुका का ट्रेक करेंगे, उसके बाद वापस आके शाम के टाइम पे बद्रीनाथ जी की दर्शन करेंगे। उसमें हो सकता है कि हम लोगों को ज़्यादा लाइन देना ना पड़े। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है, अभी बहुत भीड़ है, इसलिए हम लोग अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे, शाम को भीड़ थोड़ा कम रहेगा। नीचे अलकनंदा बह रही है, और उधर में तप्त कुंड है, वहाँ पे गर्म पानी मिलता है, वहाँ पे आप गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं। लड़कों के लिए अलग और लड़की के लिए अलग घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए। जय बद्री विशाल। हम आ गए एकदम मंदिर के नज़दीक। यही है मंदिर का मेन एंट्रेंस। उधर में थोड़ा सा एक बैरिकेड दिख रहा है, लाइन उधर से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सब लाइन पे खड़े हैं। ये लाइन आके इधर में आके इधर में मंदिर तक आते हैं। और इधर ऐसे तपते हैं, इधर में सब स्नान करते हैं। अभी ये लोग आ रहा है बद्रीनाथ जी का स्वागत करते हुए। Thank you.